Assalamualikum viewers, welcome to my channel Shahjis Smart Advice. आज मैं आपको मर्दाना कमजोरी का आसान होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा, जिसमें कि कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं बताऊंगा और क्या सिम्टम्स होते हैं। इसे मैं आपको पहले ये बता दूँ कि इससे पहले भी मैं एक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बता चुका हूँ और उसमें काफ़ी डिटेल मैंने बताई थी और इसमें और भी नई दवाइयाँ बताऊँगा। वैसे जो भी सिम्टम्स हों उसके मुताबिक ही जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, और अगर कोई थकान हो या कोई बीमारी साथ में चल रही हो तो उसकी वजह से भी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं, या बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ हो, सुबह से रात तक काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इस तरह के कोई सिम्टम्स हों तो उससे जो है दूसरी चीज़ें जो है वो क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जैसे शुगर है या कोई ऐसे लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी मर्दाना कमजोरी होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जो सबसे पहली है वो है न्यूफार ल्यूटियम ट्यूब है। ये इसके 10 ड्रॉप्स दिए जाते हैं 2 टाइम्स डेली, तकरीबन 10 से 15 दिन तक के लिए दे सकते हैं, 10 दिन तक भी दे सकते हैं। और इसमें जो है जो सेक्स का जो डिज़ायर है वो बहुत कम हो जाता है और वो डिमिनिश हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, और पेनिस जो है वो स्मॉल हो जाता है, और उसमें इसमें मोशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसके अलावा कैलेडियम है 30 में या 200 में दी जाती है। ये जब दी जाती है जब कोई मास्टरबेशन के इफेक्ट्स हों उस सूरत में दी जाती है, 5 ड्रॉप्स 2 टाइम्स रोज़ाना दिए जाएँ फॉर 5 डेज तक दिए जाए। इग्नेशिया है इसके अलावा, वो सूरत में दी जाती है। इग्नेशिया 200 जो है जब पेनिस जो है वो स्मॉल हो गया और रिट्रैक्टेड हो गया, और उसके रीज़न होते हैं जैसे ग्रीफ है, होपलेसनेस है, या कोई फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ में बंदा सफ़र कर रहा है, तो उस सूरत में दी जाती है। और लाइकोपोडियम है 200 में, जबकि स्टमक या लिवर से रिलेटेड जो कि प्रॉब्लम होती हैं और उसमें पेनिस जो है वो स्मॉल हो जाता है, इसके अलावा मास्टरबेशन की वजह से भी हो जाता है, तो उसमें जो है 4 ड्रॉप्स दिए जाते हैं 2 टाइम्स दिए जाएँ 1 हफ्ते में, जैसे 2 दिन के बाद 1 हफ्ते में दिए जाएँ तो ये भी फ़ायदेमंद होती है दवा। इसके अलावा है पल्सटिला 200, और ये भी एक्यूट केसेस में दी जाती है, जो कि टेस्टिकल्स में पेन हो रहा हो तो उस सूरत में दी जाती है। और परलेरा है, और जैसे कि रिटेंशन हुई यूरिन की, यूरिन रुक रहा है ब्लैडर में तो उस सूरत में दी जाती है। इसके अलावा ऑनोसमोडियम है क्यू में, जब दी जाती है जब कंप्लीट जो है इरेक्शन होना बिल्कुल ही रुक गया हो पेनिस का और स्पीडी एमिशन हो रही हो तो उस सूरत में दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम दवा है जो कि डामिया गोल्ड ड्रॉप्स हैं, डॉक्टर रेकेवेग एंड कंपनी जर्मनी के हैं। ये 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली इस्तेमाल किए जाएँ तो ये भी काफ़ी मुफीद होते हैं मर्दाना कमज़ोरी पे काबू पाने के लिए। और जनाब ये जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो वीडियो में या मेडिसिन का नाम ना समझ में आया हो तो आप जो टाइटल लिखा हुआ होता है उसके राइट साइड पे एक एरो सा बना हुआ है, छोटा सा एरो, तो उसका अगर आप क्लिक करें तो उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन जो है दवा के बारे में आ जाती है, तो उससे आप दवा ले सकते हैं सिम्टम्स के मुताबिक, और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर कोई और प्रॉब्लम साथ में चल रही हो तो पहले उसको रिकवर किया जाए, फिर उसके अलावा ये दवा भी ली जाए ताकि आपके मर्दाना कमजोरी में जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और राइट
रेड का बटन का बना हुआ है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।